Clash of Clans. Hey, hi everyone, what's up? Welcome back to my channel, Clash with Aways. Hope you liked the last video and you've seen it. Last video में हमने discuss किया था how to max builder hall. कुछ logics, tricks दिए थे मैंने, जिससे आप easily builder hall को max कर सकते हैं, और मैं भी max उसी तरह से करूँगा. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई strategy Town Hall 11 के लिए, जो आपको और इजीली 3 स्टार्स दिला सके. चलिए देखते हैं आज की स्ट्रेटजी. आज की स्ट्रेटजी में हम यूज करने वाले हैं 3 गोलम्स, 10 विचेस और 8 बॉलर्स, और दो स्पेस बच गई है तो हम उसमें 8 जस ले लेंगे. और स्पेल्स हमने लिए हैं 6 लाइटनिंग, 1 जंप, 1 पॉइजन और 2 अर्थक्वेक्स. और आप देख सकते हैं सीसी में 7 हॉग राइडर्स, 2 लाइटनिंग और 1 सीज बैरेक्स. और मेरे हीरोज आप देख सकते हैं, क्वीन मेरी मैक्स है और वार्डन मेरा मैक्स है, और किंग मेरा लेवल 49 का है जो अब 50 का होने वाला है, और उसमें बचे हैं 1 डेज एंड 8 आवर्स. तो आज मैं बिना किंग के अटैक करने वाला हूँ. चलिए फिर देखते हैं आज का अटैक. तो ये आप देख सकते हैं, हमें इसमें इन्फर्नो टावर्स को डैमेज देना है. एक इन्फर्नो को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 4 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक. तो हमने 4 लाइटनिंग डाल दिया है पहले एक पे, और अर्थक्वेक एक जो हो चुका है डिस्ट्रॉय, सेकंड पे हम डाल रहे हैं 4 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक. तो आप देखिए साइड बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय करना जरूरी है. और हम डालेंगे अब 3 गोलम्स, फिर 10 विचेस, फिर 8 बॉलर्स, सबको एक साथ डाल देना है. क्वीन, वार्डन, सीज बैरेक. और स्टार्टिंग में ही हमने जंप यूज करना है क्योंकि ट्रूप्स अंदर जाने चाहिए, और जंप वही जो अच्छी जगह पे डाले, सारे ट्रूप्स बहुत जगह अंदर जा सके. देखिए 2-3 वॉल कूद सकते हैं हमारे ट्रूप्स. और ये ईगल हमारे ट्रूप्स को डैमेज देने वाला था बहुत ज़्यादा, तो हमने वार्डन एबिलिटी यूज कर लिया है. और ये सीज बैरेक्स में से हमारे हॉग राइडर्स निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं एक साइड से पैका, दूसरी साइड से विचीज, तीसरी साइड से आर्चर क्वीन, और लेफ्ट साइड में देखिए किंग गोलम को डैमेज दे रहा है, जिससे हमारे विचीज, स्केलेटन्स और विजर्ड प्रोटेक्ट है. तो हमें गोलम को आगे रखना है ताकि वो सारा डैमेज ले जाए, और गोलम में से छोटे गोलम मैट्स भी निकलते हैं जो डैमेज लेने में मदद करेंगे, और हमारे पीछे के ट्रूप्स प्रोटेक्टेड रहेंगे. ये देखिए विचेस के बहुत सारे स्केलेटन्स दिख रहे होंगे आपको. क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, वार्डन भी हम पहले यूज कर चुके हैं. ये देखिए क्वीन, उसके स्केलेटन्स. क्वीन हमारी डाउन हो चुकी है. देखते हैं अब आगे हमारे ट्रूप्स 3 स्टार कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं. विचेस के बहुत सारे स्केलेटन्स है जो विच टावर से बच जाएंगे, क्योंकि विच टावर अभी वार्डन पे अटैक कर रहा है, और ये विच टावर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये हमारा अटैक हो जाएगा 3 स्टार. ये हमारा अटैक हो गया है 3 स्टार. चलिए नेक्स्ट अटैक के लिए जाते हैं. यहाँ पे देखिए ईगल आर्टिलरी और मल्टी इन्फर्नो दोनों पास में हैं, तो हम दोनों को डैमेज देने की कोशिश करेंगे. और इसमें अगर दोनों आज से पास में हो तो हम एक EQ भी ले सकते हैं. यहाँ पे मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा बेस मिलेगा. अगर आप वॉर में ये बेस मिल जाए तो आप एक अर्थक्वेक ले और दूसरा फ्रीज ले सकते सीसी ट्रूप से बचने के लिए. चलिए फिर हम डाल देंगे गोलम्स, विचेस, बॉलर्स, और फिर उसके पीछे सीज बैरेक्स और क्वीन वार्डन. और जंप हमें पहले डाल देना है, ट्रूप्स अंदर जाना जरूरी है. अगर आपका फनल नहीं हो रहा है बराबर, मतलब ट्रूप्स अंदर नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपका अटैक फेल होगा.
ये सीज बैरक्स में से हॉग निकल रहे हैं, पॉइजन हमने अभी बचा के रखा है, अगर सीसी में से कुछ नहीं निकले तो हम क्वीन भी डिस्ट्रॉय हो रही है वहाँ पे ओपोनेंट की, तो हमने वो वार्डन के ऊपर डाल दिया है। देखिए सीसी में अगर ट्रूप्स निकल जाते हैं और अब पॉइजन आपका नहीं बचा हो तो फिर बहुत दिक्कत होगी, इसके लिए पॉइजन रखिए थोड़ी देर बाद। और एक साइड पे देख सकते हैं हॉग्स गोलम पूरा डैमेज लेते हुए, उसके पीछे क्वीन और बॉलर सेफ है हमारे, दूसरी साइड पे वार्डन पैका उस साइड डैमेज ले रहा है और वहाँ पे गोलम भी है। चलिए देखते हैं हम थ्री स्टार्स कर पाते हैं या नहीं। अब सिर्फ डिफेंस में बॉम्ब टावर और हिडन टेस्ला बचा है, इसमें से बॉम्ब टावर डिस्ट्रॉयड हो चुका है और ये हिडन टेस्ला भी डिस्ट्रॉय। अब कोई डिफेंसिस नहीं बचे तो हमारा अटैक थ्री स्टार हो जाएगा, टाइम भी हमारे पास बहुत बचा है। और ये देख सकते हैं स्केलेटन्स कितने सारे हैं, गोलम भी एक बचा हुआ है, बॉलर्स है, क्वीन नहीं बच पाई पर वार्डन की फुल स्ट्रेंथ है और ये हमारा अटैक हो चुका है थ्री स्टार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक, इसमें हमने मेरी सुपर आर्चर्स तैयार थी, मेरी बूस्टेड थी तो मैंने सुपर आर्चर्स थोड़े यूज कर लिए विचिस की जगह। ये बेस भी सेम टाइप है तो इसमें एक ही क्यू लगेगा, एक ही क्यू हम बाद में कहीं भी डाल सकते हैं। ये देखिए इन्फर्नोस डिस्ट्रॉय हो चुके, एक ही क्यू बचा है, कहीं भी डाल दीजिए। वॉर में आप ये अटैक करेंगे तो आप फ्रीज ले जाइए सीसी टूप से बचने के लिए। ये तीन गोलम हम डालेंगे, फिर छः विचिस बॉलर्स, फिर वार्डन सीज बैरक्स और ये सुपर आर्चर्स सब एक साथ डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी क्वीन नहीं है क्योंकि क्वीन अभी डाउन है, हील हो रही है, तो मुझे देखना है बिना क्वीन के मैं अटैक थ्री स्टार कर पा रहा हूँ या नहीं। ए सी सी में से निकला है बलून और ईडी, हमने वार्डन एबिलिटी यूज कर लिया है, पॉइजन डाल दिया है हमारे ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे पास क्वीन नहीं है। पर देखिए सुपर आर्चर्स क्वीन का काम करते हुए इलेक्ट्रो ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करेंगे और ये सीज बैरक्स में से हमारे हॉक्स निकल रहे हैं। एक साइड पे गोलम अटैक, गोलम सारा डैमेज ले रहा है, दूसरी साइड पे गोलम छोटा सा है। यहाँ पे देखिए गोलम आगे स्केलेटन्स बचा रहा है, दूसरी साइड हॉक्स और सुपर आर्चर्स और वार्डन साथ में है, तीनों तरफ से हमारा अटैक हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं हमारे हॉक्स भी बचे हुए, गोलम बचा है और ये देखिए हमने चार सुपर आर्चर्स लिए थे, चारों के चारों सेफ है क्योंकि वो सबसे पीछे है। अगर आपके पास सुपर आर्चर्स नहीं है तो उसकी जगह विचिस ले सकते हैं, मेरे पास बूस्टेड थे तो मैंने थोड़े यूज कर लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक सेम विद फोर सुपर आर्चर्स और ये है TH-12 बेस, मैक्स नहीं है पर इसके पास गीगा टेस्ला है और ये इन्फर्नो इसके बहुत लो लेवल के हैं तो हमें तीन लाइटनिंग लगेगी और एक अर्थक्वेक, और ये दूसरे को भी हम तीन लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक से डैमेज देंगे। वो देखिए वो साइड के बिल्डिंग्स भी थोड़े डिस्ट्रॉय हो गए और इसका गीगा टेस्ला अपग्रेड हो चुका है, दो लाइटनिंग बचे थे तो वो दूसरे इन्फर्नो पे डाल दिए थोड़ा सा डैमेज देने के लिए। और अब हम हमारा अटैक स्टार्ट करेंगे, तीन गोलम्स, फिर विचिस, फिर बॉलर्स, सीज बैरक्स, वार्डन और सुपर आर्चर्स। मेरी क्वीन अभी भी डाउन है, देखिए अटैक कर पाते हैं या नहीं थ्री स्टार। जंप्स पहले हमें डाल देना है, पहले ही ट्रूप्स अंदर जाने चाहिए और ये सीसी में से लून्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल रहा है, पॉइजन डाल देंगे, वार्डन एबिलिटी यूज करके ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करेंगे, गीगा टेस्ला बहुत डैमेज देगा हमें और ये इलेक्ट्रो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ईगल आर्टिलरी भी डिस्ट्रॉय, सीज बैरक्स में से हमारे हॉक्स निकलते हुए। ये देखिए आगे वाला गोलम और थोड़े से हॉक्स को डैमेज मिल रहा है गीगा टेस्ला का और हमारे सुपर आर्चर्स और विज ने टाउन हॉल को तोड़ दिया, गीगा टेस्ला हो चुका है डिस्ट्रॉयड। अब क्वीन हमारे विज हैंडल कर रहे हैं और क्वीन भी हो चुकी है डिस्ट्रॉय। एक साइड पे हमारे सुपर आर्चर्स
बॉलर्स और विचिस है, दूसरी साइड पे है गोलम और बॉलर्स एंड विचिस। ये देखिए हमारा अटैक तीनों तरफ से हो रहा है, वो एक गोलम एक्सपो का डैमेज ले लेगा, हमारे सुपर आर्चर्स प्रोटेक्टेड है। क्या हम यह अटैक 3 स्टार कर पाएंगे? देखिए सुपर आर्चर्स की एबिलिटी, एक्सपो को एक्सपो की तरफ ध्यान दीजिए, एक्सपो का डैमेज धीरे धीरे कम हो रहा है इतनी दूर से। देखिए एक्सपो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये एक्सपो सुपर आर्चर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और वार्डन भी हो गया डिस्ट्रॉय, नो डिफेंसेस लेफ्ट और हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार। चलिए बढ़ते एक लाइव अटैक की तरफ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों इन्फर्नो के बीच में ईगल आर्टिलरी है तो हम दोनों के तरफ लाइटनिंग डालेंगे और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है तो हम एक इक्यू से काम नहीं चला सकते तो हमें दोनों डाल देना है, ईगल आर्टिलरी और दोनों इन्फर्नोस डाउन। ये मेन डिफेंसेस होते हैं जो हम डाउन कर चुके हैं और हम डालेंगे अब गोलम्स, फिर विच, फिर बॉलर्स, फिर सीड बैरक्स, वार्डन और सुपर आर्चर। क्वीन मेरी अभी भी डाउन है, जंप हम डाल देंगे जिससे ट्रूप्स अंदर जाए, पॉइजन हमें रखना है सीसी में से कुछ निकल जाए तो, और ये सीसी की रेंज में हम आ चुके हैं और उसमें से निकले हैं बलून्स, बलून्स पे हम पॉइजन डाल देंगे। थोड़ा बलून्स आगे आए हमारे ट्रूप्स की तरफ, फिर हम यूज़ करेंगे वार्डन एबिलिटी ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये हमारे ट्रूप्स प्रोटेक्टेड है अब तक। थोड़ा पॉइजन और थोड़े विजिस लोन्स को डाउन कर देंगे, अपोनेंट क्वीन भी डाउन हो चुकी है और ये सुपर आर्चर्स अंदर अटैक करते हुए सीज बैरक्स में से हॉग राइडर्स आ गए और सीज बैरक्स के विजर्ड्स भी काम कर रहे हैं अपना, और ये साइड पे हमारा गोलम डैमेज लेते हुए बॉलर्स को प्रोटेक्ट करते हुए, गोलम डिस्ट्रॉय हो चुका है उसमें से दो गोलमाइट्स लिखने, और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं सुपर आर्चर्स, वार्डन, विचिस और बॉलर्स काम करते हुए। बिना क्वीन के अटैक करना बहुत डिफिकल्ट है, हम ये मैनेज कर रहे हैं कि बिना क्वीन के हम अटैक जीते, ऑल बिकॉज ऑफ सुपर आर्चर्स। देखिए ये गोलम किंग को अट्रैक्ट कर रहा है और किंग को हमारे स्केलेटन्स और सुपर आर्चर्स तब तक डिस्ट्रॉय कर देंगे और गोलम भी हो चुका है डिस्ट्रॉय। अब हमारे दो डिफेंसेस बचे, एक कैनन जो डिस्ट्रॉय हो गया और अब बचा है सिर्फ एक आर्चर टावर डिफेंस में। देखते हैं सुपर आर्चर्स, विच एक बची है, वार्डन की थोड़ा सा ही लेफ्ट है और ये विच भी डिस्ट्रॉय हो गए, हमारा बचा है सिर्फ सुपर आर्चर। क्या वो डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? और ये उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और ये आप देखिए चारों सुपर आर्चर्स हमारे सेफ है तो वो हमारा पूरा अटैक 3 स्टार कर देंगे। चार आर्चर यूज किए थे हमने, चारों अभी तक सेफ है। विचेस और वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि हमने क्वीन नहीं ली थी और हमारा किंग भी डाउन है तो ये अटैक है। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक इट देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेका मोबाइल स्ट्रेटजी। So stay tuned for my next video and thanks for watching.